सर अभी आप लोग मिलने आए थे मुख्यमंत्री जी से, क्या इशू था आप लोगों का? आज हमारा सभी पेरेंट्स का इशू था बच्चों की स्कूल फीस को लेके, जो दिल्ली में सेवन्थ पे कमीशन के लिए कहा गया है, तो स्कूल वालों ने अपनी मनमानी करते हुए उसमें कई रूल्स को वाइब्रेट करते के साइड करते हुए उन्होंने सेवन्थ पे कमीशन के बहाने से हम लोगों के ऊपर 10,000 रुपये फीस ऑलरेडी हम लोग दे रहे हैं उसके ऊपर 15% इंक्रीज कर दिया है। तो हम उस मुद्दे को लेके आए थे, पिछला एरियर भी वो 2 साल का मांग रहे हैं। हमने अपनी बात अपने MLA साहब जर्नैल जी को रखी, उन्होंने हमारे अभी 2-3 दिन ही हुए थे बात करते हुए, उन्होंने इंस्टेंट मीटिंग रख दी और उस मीटिंग को लेके हम 3 स्कूल लोगों के यहाँ प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, जिसमें KR मंगलम स्कूल के हैं, वेंकटेश्वर के हैं और IP के हैं। तो इस संबंध में हम अपने ये सारी इनको लेटर कंसर्न दे रहे हैं कि हमारे को फीस ना बढ़ाई जाए, हम इतनी फीस अभी देने के लायक काबिल नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है कि आप मुझे ये सब लेटर देके जाओ, 1-2 दिन में और दो दिन में मैं जर्नैल जी को बता के इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करके आपको सामने आएगी। मुलाकात करने में कोई दिक्कत परेशानी? 1 मिनट भी परेशानी नहीं हुई सर, कोई परेशानी नहीं है किसी किस्म से भी। अच्छा, जर्नैल जी ने अरेंज करा के रखा था। और अरविंद केजरीवाल जी, जब से आप पार्टी आई है वो वैसे भी बहुत स्ट्रिक एक्शन ले रही है, जैसे मैक्स हॉस्पिटल के लिए लिया गया अभी स्ट्रिक्टली, तो ऐसे अगर स्कूल्स के ऊपर लिया जाए, हम सोचते हैं स्कूल्स के ऊपर भी हमें जो फैसिलिटीज बच्चों को मिलनी चाहिए वो अगर मिले तो हम और भी अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करेंगे, हम शुक्रगुजार करते हैं। जो उन्होंने बहुत ही आराम से हमारे से मिले हैं, डाउन टू अर्थ पर्सन है, तो थैंक यू सो मच टू, हमारी बात को समझा है तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेने के लिए हमें आश्वासन दिया। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि अभी जरूर इस पे कुछ कदम उठाएंगे, हम अभी लेटर देके जा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट।